आप देख रहे हैं गांधी मैदान पटना बिहार, हमारे जितने भी बच्चे SSCGD के आप देख रहे हैं, हम लोग बहुत सारे बच्चे का क्या होता है कि रनिंग करने के बाद जब हम आते हैं तो हमारे पैरों में कंपन होने लगता है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है, किसका किसका पैरों में कंपन होता है हाथ उठाना थोड़ा, बहुत सारे बच्चों का होता है, थोड़ा दिखाना ऊपर हाथ उठाओ। बहुत सारे बच्चे जब आते हैं तो लगता है कि लास्ट का जो राउंड खींचते हैं हम लोग 400 मीटर या जो लास्ट का 1 किलोमीटर होता है तो क्या होता है, स्पीड नहीं आ पाता है, उसके लिए हम लोग अपने पैरों के लिए एक्सरसाइज करें, ठीक है। आप सब रेडी हो? पैरों में सबसे पहले पैर को पंजे पे उठ जाओ, सभी पंजे पे आगे से उठ जाओ, पंजे पे सभी उठ जाओ, आगे से उठिए। 6 से 8 इंच का गैप ले लो, 6 से 8 इंच का गैप ले लो, हाथ आगे सभी, उठते रहो बाबू, दर्द हो रहा है, सभी रखे रहो पंजे पे, पंजे पे रहो, रहो पैर फैलाओ, चेंजे थोड़ा पैर फैलाओ, पूरा फैलाओ जितना हो सके, सभी पैर फैलाओ जितना पैर फैला सको, फेवरेट जहाँ से तुम खड़ा हो सको, पैर उठाओ पंजे पे, पैर उठाओ, हाथ आगे उठाओ छोटे पंजे पे, और उठाओ, उठाना पैर में कंपन आता है सब दूर हो जाए, हाथ करो जल्दी करो, साइड में चले छोटे, गलत बात है, पंजे पे उठाए रखना, उठाए रखना जब तक स्टॉप नहीं बोलूं, स्टॉप, ठीक है। दोनों पैर थोड़ा और फैलाओ, फैलाइए हाथ आगे, हाथ आगे सभी पंजे पे, हो जा हो जा, थोड़ा बैठो सभी, सभी बैठो, ये पोजीशन, ये बैठो, एक पैर उठा लो,
आगे भी रखें, जैसे बॉडी बैलेंस हो, थोड़ा बैठो, जिस तरह आपका बॉडी बहुत बढ़िया छुट्टे, बैठो बाबू, पैरों में थाई में जो कंपन होता है नहीं होगा, बैठो, डेली एक्सरसाइज करो, बैठो बाबू, बैठ जा मेरे भाई, बैठो और थोड़ा बैठ, बैठ छोटे, क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, समझ रहे हम, पैर चेक, दूसरा पैर, पैर चेक, पैर चेक, बच्चा बैठो, आप करके जैसे हो आप अपनी बॉडी को बैलेंस बना सकते हो, पीछे बैठो सबे, चेंज, दूसरा पैर आगे लेना, पैर आगे लेना अपने पंजे पे, अभी पैर आगे लेना पंजे पे, बॉडी को पीछे वाला पैर सीधा वो भी पंजे पे रहेगा, बॉडी को झुकाओ, कंपन होगा, ये पैर में पावर आएगा, हाई मजबूत होगा, सबे बॉडी झुकाओ, छोटे आगे बॉडी, ये बॉडी आगे झुकाओ और झुकाओ, मुड़ी का पीछे मुड़ी क्यों झुका, मुड़ी हाँ, आगे पंजे पे, पीछे वाला पैर सीधा, पीछे वाला पैर सीधा, सभी बॉडी झुका, हाथ सीधा, हाथ सीधा, हाथ सीधा, थोड़ा पंजे पे कमर बैठा, पैर पीछे और पीछे ले, पैर पीछे लो, पंजा दिखाना थोड़ा, ये पंजा उठा होना चाहिए, पीछे वाला पैर सीधा और रोक के रखो, ये थाई जो है बहुत मजबूत होगा, जो थाई आपका है मजबूत होगा, रेडे झुको जल्दी छोटे, सबे बॉडी गाड़ो, चेंज है, खड़ा हो जाओ, अब दोनों पैर को फैलाओ, दोनों पैर फैलाओ, सबे फैला लिए, दोनों पैरों को पंजे पे हो जाओ, बॉडी थोड़ा पीछे झुकाना, बॉडी पीछे झुकाए रखो, पंजे पे हो जाओ, बॉडी पीछे झुकाए रखो, पैर में जो कंपन है वो दूर होगा, बॉडी झुकाए रखो पंजे पे होके, पंजे पे होके बॉडी झुकाए रखो, जितना देर हो सके आप रखने का प्रयास करिए, बोलो नहीं रे, पंजा पे हो, ज्यादा बॉडी नहीं झुका, पंजा पे रहो सबे, चेंज है, चेंज है, और एक बार पैर को पावर लाने के लिए, बहुत सारे बच्चे का पैर बहुत पतला होता है, बहुत सारी लड़कियों का भी पैर इतना पतला होता है, इसमें पावर लाने के लिए आपको दूध में क्या डालना है, हल्दी, दूध में क्या डालना है, दूध हल्दी का सेवन प्रत्येक दिन रात में या दौड़ के जाने के बाद आप यूज करो, दूध हल्दी का सेवन प्रत्येक दिन करें, उसके बाद लहसुन, पीछे लहसुन का पोटा, आप समझ रहे हो ना, प्रत्येक दिन यूज करो, एक से दो पोटा, बहुत सारा बच्चा कमेंट कर देगा कि सर ये वो उसका एक एक दाना नहीं, एक पोटा जो होता है बड़ा वाला, उसको एक बंदा एक प्रत्येक दिन खाएगा, ठीक है, आप सब रेडी हो, एक बार जय घोष करना, भारत माता के जय, जय हिंद।